हाय गाइस, तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको टाइटल देख के तो समझ ही आ गया होगा, लेकिन उसके बारे में बता देती हूँ। एंड सॉरी अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप सबका आई रियली होल हार्टेड वेलकम यू ऑल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या तो आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लेयर्स मिडनाइट ब्लू कामिंग क्रीम। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं इसको कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये कैसा वर्क किया है मेरे ऊपर, और मतलब इसका प्राइस क्या है और मैंने कहाँ से ख़रीदा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये मेरा थर्ड ट्यूब है, उससे पहले मैं दो ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। इनिशियली क्या हुआ कि मैंने ना छोटा वाला मंगाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसा वर्क करेगा, तो इसलिए मैंने छोटे से स्टार्ट किया ताकि मैं देख सकूँ कि कैसा वर्क किया है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है ना इस क्रीम का, कि अगर आपकी जैसे स्किन इरीटेट हो गई है और जैसे आपने कुछ ज़्यादा एक्टिव यूज़ कर लिया अपने स्किन पे, तो मान लो कि आपने ज़्यादा एक्सफोलिएट कर लिया है, जैसे ज़्यादा AHA BHA वगैरह ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया स्किन पे, या फिर रेटिनॉल अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपकी एज जैसे 30+ है, या फिर जो भी, अगर 30+ नहीं भी है लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो रेटिनॉल, तो उसके से क्या होता है ना कि आपकी स्किन दे विल स्टार्ट पर्जिंग। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आप स्किन थिन हो जाती है और फिर इरीटेट हो जाती है। तो जब इरीटेट हो जाती है ना, तो आप मतलब यू विल फील कि स्किन इतनी अच्छी नहीं लगती और बहुत जल्दी रेडनेस हो जाता है। अगर आप बाहर जाओगे धूप में, अभी थोड़ा भी कहीं भी बाहर जाओ ना, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसकी वजह से ना, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने सन्स को एक्सपोजर किया सॉरी, तो आपकी स्किन ना रेड हो जाएगी और फिर हो सकता है कि वो उल्टा ही काम करे आपकी स्किन पर। तो इसलिए क्या हुआ कि मैं एक्चुअली रेटिनॉल यूज़ करती हूँ और वीकली वंस AHA वगैरह भी यूज़ करती हूँ, घर पे मैं एक्सफोलिएट कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है जिससे कि मेरी स्किन को सूद कर सके, काम कर सके, मेरी स्किन इतनी इरिटेट ना हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप मेरा ये कलेक्शन देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं इसको कितना ख़त्म कर चुकी हूँ, कितने टाइम से इसको, और ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है और मैं अभी नेक्स्ट ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर चुकी हूँ ताकि मैं इसको ख़रीद सकूँ। क्योंकि मैं इसलिए क्या कि ना, मैं एवरी अल्टरनेट डे या फिर कभी कभी रेगुलरली भी मैं रेटिनॉल यूज़ ही कर लेती हूँ, और वीकली वंस तो मैं AHA यूज़ करती हूँ, तो मेरी स्किन इरीटेट हो जाती है नो डाउट। इसलिए मुझे एक ऐसा क्रीम चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मेरी स्किन को सूद कर सके, ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा है, और मेरी स्किन ना, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी स्किन पे थोड़ा सा रेडनेस हो गई है, या फिर मान लीजिए कि हल्के हल्के से मतलब पिंपल्स होने लगे हैं, जैसे कि वो जो दाने वाले नहीं होते जिसमें थोड़े से छोटे छोटे पस जैसे हो जाते हैं वैसे वाले, तो अगर आप ये लगा लो ना ओवरनाइट, आप छोड़ दो इसको, क्या है कि सबसे लास्ट स्टेप में लगाना है। आप अपनी पूरी स्किन केयर कर लो, जैसे कि आपने क्लिनजिंग कर लिया, टोनिंग कर लिया, फिर जो भी आपको सीरम वगैरह लगाना है, फिर मॉइस्चराइजिंग करनी है, उसके बाद आप लास्ट स्टेप खत्म होने के बाद फिर आप इसको लगाओ। ये हमेशा आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए, उसके बाद आप ओवरनाइट इसको छोड़ के सो जाओ। नेक्स्ट डे आपकी आप देखोगे कि आपकी स्किन ना काफ़ी सूद हो जाएगी, काफ़ी काम दिखेगी, इरिटेटेड नहीं लगेगी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है, और ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और अगेन आई थिंक ये कोरियन ब्रांड है, और इस पर लिखा भी है कि इंटेंसिव सूदिंग केयर आफ्टर सन केयर। तो जितना भी आप धूप में गए हो, दिन भर का जो भी डर्ट है, पॉल्यूशन, उसको क्लीन करने के बाद आप इसको लास्ट स्टेप में लगा के सो जाओ, और आपकी स्किन आराम से रिलैक्स करेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप उठोगे तो आप स्किन आपके रिलेटेड नहीं लगेगी, अच्छी दिखेगी, प्लम्प दिखेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली मिडनाइट है अगेन, एंड इसमें कोई ब्लू एक्चुअली ये ना रियल एक फ्लावर होता है उससे बना है उसके कलर से। तो इसमें इसका जो कलर है ना उसका, देखो अब ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें तो सॉरी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, तो मैंने इसमें वो बटन पैक करके रख लिया था कि इनकेस अगर मुझे ज़रूरत पड़ा कहीं स्क्रब करने के लिए, तो वो मैंने रख लिया था। तो इसका देखिए, जैसे कि इसका टेक्सचर है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो आप देख सकते हो इसका ब्लू कलर का टेक्सचर है, ठीक है। और ये एक्चुअली कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें, एक्चुअली ये नेचुरल कलर है, ठीक है। क्योंकि वो जो फ्लावर उन्होंने यूज़ किया है ना, कमिंग फ्लावर, उसकी वजह से इसका उसका कलर ही ब्लू होता है, जिसकी वजह से इस क्रीम का कलर ब्लू है। और एक्चुअल में इस
क्रीम वाकई अच्छी है। ओके, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसको कहाँ से ख़रीदा है। तो इनिशियली तो मैंने इसको नायका से ख़रीदा था। यूजली मैं ज़्यादातर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, मैं नायका से ही खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट है नायका पे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ से ख़रीदी थी। तो मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई एक दूसरी भी साइट है, मैक्रोन साइट है, जहाँ पर हम के ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बट ऐसे ही मुझे पता चल गया जो भी यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते करते ऐड से। तो फिर मैं जब मैंने वहाँ चेक किया तो ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा वहाँ पे। तो इसलिए फर्स्ट ये दोनों तो मैंने नायका से ही ख़रीदा था, बट मैंने सोचा कि जब ये काम अच्छा कर रहा है मेरी स्किन पे, तो इसलिए फिर मैंने बड़ा वाला ट्यूब मंगाया। और ये वाला मुझे पड़ा था आई थिंक 1600 समथिंग, एग्जैक्ट प्राइस नहीं, बट मैं डाल दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में कि कितने का मुझे पड़ा, और मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप चाहो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो ये वाला जो बड़ा वाला प्रोडक्ट है, ये मैंने ख़रीदा है मैक्रोन से। और लिटरली गाइस, वहाँ पे ना कंपेयर टू नाइका काफ़ी सस्ता पड़ा। और एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस किया, मतलब मैं कि कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ मैं नाइका के बारे में, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे प्रोडक्ट नाइका से खरीदती हूँ। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि नाइका से भी बहुत जल्दी प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन इसका अगर MSG, अगर ये प्रोडक्ट नहीं है, अगर ये इंडिया में अवेलेबल है, MSG नॉन MSG प्रोडक्ट है, तो आपका मैक्सिमम 2 डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। मैंने कितने सारे प्रोडक्ट मैक्रोन से ख़रीदा है, इनिशियली मैं थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ से ख़रीद रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना के ब्यूटी प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं वहाँ से जैसे कि बहुत सारे कोरियन, वो मैं फ्यूचर वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट ख़रीदा है, बट मोस्टली जितने भी कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैं वहाँ से ख़रीदती हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा नायका से सस्ता पड़ा, और इसलिए मैंने वहाँ से ख़रीदा, और अब से मैं मोस्टली के ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहीं से ख़रीदती हूँ। तो ये ऐसा रहा मेरा इस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस। आप इसको एक बार यूज़ करो, अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है, आप रेटिनल वगैरह कुछ भी एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ करते हो, आप इसको यूज़ करो, यू विल फील डिफरेंस इन योर स्किन डेफिनेटली। फिर आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, फिर आप बता सकते हो कि आपके ऊपर कैसा काम किया। तो बस इसके बारे में इतना ही, और ऑलमोस्ट मुझे 3-4 महीने, 3 महीने तो हो ही गए यूज़ करते हुए, और अगर मैंने ज़्यादा ज़्यादा इसको यूज़ करूँगी तो और मैं कभी फ्यूचर वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, अपना ख्याल रहिए, ख्याल रखिए, सॉरी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।